डलहौजी, आज रात को स्वामी हरिगिरी जी और राजेश्वरानंद भारती जी महाराज के प्रांगण उनके भक्तों द्वारा जय गोपाल एंड संस ककीरा और डीएल कटारिया पठानकोट वालों के सौजन्य से 13वां वार्षिक जागरण का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र से आए हुए नवीन चंचल एंड पार्टी को स्टेज में पधारने पर आश्रम के मुखिया ट्रस्टी राजन भाई पटेल द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जागरण से पहले पंडित नवीन शर्मा द्वारा पूजा अर्चना के बाद मां की अखंड ज्योति रखी गई। उसके बाद नरेंद्र चंचल जी के चेले नवीन चंचल द्वारा गणपति जी के भजन से शुभारंभ किया गया। नवीन चंचल द्वारा भजन सम्राट नरेंद्र चंचल जी के भेंटे आज नयो नचना तो फिर कदो नचना एक से बढ़कर एक माता के भेंटे गाकर लोगों को झूमने में मजबूर कर दिया। उसके बाद माँ शेरोवाली, राधा कृष्ण और शिव पार्वती जी के झांकी ने पंडाल में सोए हुए लोगों को भी जागने में मजबूर कर दिया। ठीक 1 बजे के बाद पटियाला से आए हुए महंत भानु प्रताप द्वारा माता तारा रानी के कथा पढ़ी गई और ठीक सुबह 6 बजे आरती के बाद प्रसाद वितरित की गई। इस मौके में मंदिर ट्रस्ट के अलावा बाहर से आए हुए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जागरण में आकर अपने आप को सौभाग्यशाली माना और जागरण के समाप्ति के बाद सभी अपने अपने घरों को लौट गए। यस स्टार सर, आपका शुभ नाम सर? नवीन चंचल। अब कौन से क्षेत्र से आए सर? मैं सर कुरुक्षेत्र हरियाणा से। तो आपकी ये रुचि कब से रही सर, ये जागरण? ये रुचि सर मेरे को बचपन से रही है, बचपन से ही, चौथी या पांचवी क्लास से ही मैं इंटरेस्टेड था इसमें। अच्छा, आप किसको अपने गुरु मानते हो? मतलब गुरु होना अलग बात है, सीखना सबसे अलग बात है। गुरु तो हमारे कुरुक्षेत्र से ही हैं, हमारे उस्ताद जी ओम भाई सुभाष भाई जी, और देखो जिन्होंने राह दिखाई, मेन तो गुरु वही होता है। ठीक है, सीखते हम दुनिया से हैं, मगर पापा जी की भेंटे बचपन से ही सुन रहे हैं, बचपन से ही गा रहे हैं और वही मन में बसे हुए हैं। तो आप, हमने सुना कि आप खासकर नरेंद्र चंचल जी के भजन ही गाते हो। जी, तो कौन कौन से आज भजन जो है पेश करोगे सर? आज तेरे जागिया दे विच सारी रात मैं जागा, मैं तेरे बिन रह नहीं सकदा माँ, दिल वाली पालकी चलो बुलावा आया है, एहो चुन्नी लैनी है मैं, एहो चुन्नी लैनी है, पाकी घुंघरू नच्चा मैं दर तेरे, मैया जी मैं फकीर हो गया, मेरा किसी ना पूछे हाल माँ, मैनू ला चरणा दे नाल में। ऐसी बहुत सी बेटियां जो सारी रात माँ जी के चरणों में गाई जाएंगी। डलहौजी से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता अश्वनी साहिल की रिपोर्ट।